नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि राठौर। दोस्तों, भारतीय चित्रकार की सीरीज में आज के इस लेसन में हम नंदलाल बोस, जो कि नंदलाल बसु के नाम से भी जाने जाते थे, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, नंदलाल बोस का जन्म बिहार की हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर में हुआ था और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कलाकृतियों का निर्माण किया था। ये अपने जीवन काल में मस्ट मोसाई के नाम से जाने जाते थे। चलिए चलते हैं, देखते हैं नंदलाल बसु यानी कि नंदलाल बोस के बारे में। दोस्तों, नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में मुंगेर जिला बिहार में हुआ था। इनके पिता यानी कि नंदलाल बसु के पिताजी का नाम पूर्णचंद्र बसु स्थापत्य शिल्पी थे। नंदलाल बसु के पिता का नाम पूर्णचंद्र बसु स्थापत्य शिल्पी था। दोस्तों, पूर्णचंद्र बसु आर्किटेक्ट तथा महाराजा दरभंगा के रियासत के मैनेजर थे। तो पूर्णचंद्र बसु कौन थे? दोस्तों, पूर्णचंद्र बसु आर्किटेक्ट तथा महाराजा दरभंगा के रियासत के मैनेजर हुआ करते थे। दोस्तों, नंदलाल बोस को मास्टर मोसाय के नाम से जाना जाता था। नंदलाल बोस मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें कला की प्रेरणा अपनी माँ क्षेत्रमणि देवी से मिट्टी के खिलौने बनाती थी, उन्होंने नंदलाल बसु को प्रेरणा दी थी। तो दोस्तों, नंदलाल बोस को कला की प्रेरणा अपनी माँ से मिली थी। उनकी माँ कौन थी? क्षेत्रमणि देवी। क्षेत्रमणि देवी मिट्टी के खिलौने बनाती थी, उनसे नंदलाल बसु को प्रेरणा मिली थी। जब वे 8 वर्ष के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया। दोस्तों, नंदलाल बसु जब 8 वर्ष के थे तो उनकी माँ क्षेत्रमणि देवी का देहांत हो गया था। 16 वर्ष में माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की और कोलकाता आ गए। 16 वर्ष की आयु में नंदलाल बसु ने माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट की और कोलकाता आ गए। संस्कृत व वाणिज्य कॉलेज में पढ़ाई की, परंतु वे वहां असफल रहे। दोस्तों, नंदलाल बसु ने संस्कृत व वाणिज्य कॉलेज में पढ़ाई की, परंतु वे वहां असफल रहे, वो वहां सफल नहीं हो पाए। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। नंदलाल बसु ने 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया था। उन्होंने 1905 से 1910 के बीच, इस समय में ईबी हैवेल प्रिंसिपल थे और अवनींद्रनाथ वाइस प्रिंसिपल थे। दोस्तों, नंदलाल बसु ने 1905 से 1910 के बीच कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अवनींद्रनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली थी। तब इस समय ईवी हैवेल प्रिंसिपल थे और अवनींद्रनाथ ठाकुर वाइस प्रिंसिपल थे। दोस्तों, इसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किया। नंदलाल बसु ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाई करने के बाद इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किया था। 1922 से लेकर 1951 तक
शांति निकेतन के कला भवन के प्राध्यापक रहे। दोस्तों 1922 से लेकर 1951 तक शांति निकेतन के कला भवन के प्राध्यापक रहे हैं। दोस्तों नंदलाल बसु कम उम्र में ही अपने प्रसिद्धतम चित्र सती, जो कि 1907 में बनाया गया था, और नौका विहार 1909 में बनाया गया था। आपने माइकल एंजेले राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां भी बनाई हैं। दोस्तों नंदलाल बोसले माइकल एंजेले, जो कि आर्टिस्ट और मूर्तिकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थे, और राफेल, जो कि चित्रकार के रूप में काफ़ी फेमस थे। दोस्तों माइकल एंजेले ने चित्रकारिता भी की थी। उनके चित्रों की और राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां नंदलाल बसु ने बनाई थी। राजा रवि वर्मा के चित्रों के राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी प्रभावित हुए थे नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस ने इनकी भी प्रतिकृतियां बनाई थी राजा रवि वर्मा के चित्रों की। गीतांजलि के लिए भी चित्र बनाए हुए थे। दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति गीतांजलि, गीतांजलि के लिए भी चित्र नंदलाल बोस ने बनाए हुए थे। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका। दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन में नंदलाल बोस का बहुत बड़ी भूमिका थी। वे गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। दोस्तों एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका किस कलाकार की थी। तो दोस्तों आंसर होगा नंदलाल बसु की। दोस्तों नंदलाल बोस जी गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये गांधी जी की तरह चरखा भी चलाया करते थे। ये नंदलाल बोस जी कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया था। नंदलाल बोस जी ने कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया है इन्होंने। उन्होंने असहयोग आंदोलन और 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में भाग लिया है। नंदलाल बोस ने असहयोग आंदोलन और 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में भाग लिया है। भित्ति चित्र, नंदलाल बोस ने भित्ति चित्रों का भी निर्माण किया है। सन 1916-17 ईस्वी में ख्यातिनामा, सन 1916 से 1917 के बीच में ख्यातिनामा वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पत्र पर कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाए हैं। दोस्तों सन 1916 से 1917 ईस्वी में ख्यातिनाम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु इनके निमंत्रण पर, इनके आमंत्रण पत्र पर कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाए हैं। विज्ञान मंदिर कोलकाता में भी भित्ति चित्र नंदलाल बसु ने बनाए हैं। सन 1921 में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां भी की हैं। सन 1921 में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां भी की हैं नंदलाल बोस ने। 1939 में बड़ौदा के कृति मंदिर में गंगा अवतरण के चित्र की रचना की है। सन 1939 में बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण की भित्ति चित्रों की रचना की थी। बड़ौदा के महाराजा ने नंदलाल बसु को आमंत्रित किया था कीर्ति मंदिर में कलाकृति बनाने के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, किसने किया था? बड़ौदा के महाराजा ने नंदलाल बसु को आमंत्रित किया था कीर्ति मंदिर में कलाकृतियां बनाने के लिए। सन 1942 में शांति निकेतन में जलता देवदार और नटी की पूजा हुई थी। दोस्तों सन 1942 में शांति निकेतन में जलता देवदार और नटी की पूजा नामक कृति भित्ति चित्र
बनाई गई थी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के साथ मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा गया था और उनकी सज्जा भी की थी, अर्थात पेंटिंग भी बनाई गई थी। दोस्तों, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के साथ मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा था और इसकी सज्जा भी की थी, अर्थात पेंटिंग्स भी बनाई थी नंदलाल बसु जी ने। पुरस्कार एवं सम्मान। नंदलाल बोस को पुरस्कार एवं सम्मान कौन कौन से मिले हैं? 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग BHU के नाम से भी जानते हैं, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें D.Lit की उपाधि मिली है। 1952 में विश्व भारती देसी कोत्रम की उपाधि मिली है। 1952 में विश्व भारती के द्वारा देसी कोत्रम की उपाधि दी गई थी। 1954 भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी है। दोस्तों, 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय D.Lit की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा D.Lit की उपाधि दी गई थी। 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय D.Lit की उपाधि दी गई थी। 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा D.Lit की उपाधि दी गई थी। पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र अर्थात डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। दोस्तों, नंदलाल बसु पहले ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई थी। भारतीय संविधान की मूल प्रति का चित्र, भारतीय संविधान की मूल प्रति का चित्रण भी किया था नंदलाल बसु जी ने। पंडित नेहरू ने आमंत्रण दिया था। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नंदलाल बोस को आमंत्रण दिया था कि आप भारतीय संविधान का डिज़ाइन करें, उनके लिए पेंटिंग्स बनाएं। 221 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्ने पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था। 221 पेज का संविधान था जिसके हर पन्ने पर चित्र बनाना संभव नहीं था। संविधान में कुल 22 भाग थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में कितने भाग थे? तो संविधान में कुल 22 भाग थे। इस तरह से 22 चित्रों को बनाने का मौका मिला था नंदलाल बसु जी की, अर्थात हर भाग का एक चित्र। दोस्तों, संविधान का ये चित्र बनाने में नंदलाल बसु को 4 साल लगे थे। ये उनका चित्र है तीसरे भाग का, संविधान का फंडामेंटल राइट करके दिया हुआ है आपको, हम ये आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, इसमें 4 साल लगे हुए थे संविधान का चित्र बनाने में। संविधान के जो 22 भाग थे उनका चित्रण करने में 4 साल लगे थे नंदलाल बसु जी को। चित्रों का निर्माण। दोस्तों, हम देखते हैं इनके द्वारा प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। तो इनके द्वारा, नंदलाल बसु के द्वारा प्रसिद्ध चित्रों में हैं डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग। दोस्तों, नंदलाल बसु की मृत्यु 16 अप्रैल 1966 को हुई थी। नंदलाल बसु जी की मृत्यु 16 अप्रैल 1966 को हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्द ही मिलेंगे। तो प्लीज़ आप आर्टिस्ट अंजय राठौर को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।
Thank you.